अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम उमर, आप देख रहे हैं उमर इलेक्ट्रॉनिक्स। आज आपके सामने SMD काडा 952 हीट गन लेके आया हूँ। हमारा हीटर गर्म नहीं हो रहा और इसकी हीटर वाली लाइट ब्लिंक नहीं कर रही, लगातार चलती रह रही है और ये 11 वोल्ट पर काम करना लगती करती है। थोड़े वोल्ट पर ये 220 पर काम नहीं करती। तो ये इसकी हीट गन है, इसे मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे रिपेयर करते हैं। इसका 500 के का वॉल्यूम होता है वो ख़राब हो चुका है, वो आपको चेंज करके दिखाता हूँ मैं। तो इसका पहले भी मैंने ये वॉल्यूम चेंज किया है, ये 500 के का वॉल्यूम होता है, हीट वाला चेंज करना होता है। तो फिर से मैं तो आपको ना चेंज करके दिखाता हूँ। जो पहले वाला था उतार दिया है और ये नए वाला लगा दिया इसमें, जिसमें मैंने वॉल्यूम नहीं मिल रहा था तो मैंने डिमर का, जो पंखे का डिमर होता है एसी फैन का, उसका उतार के भी आप लगा सकते हैं। वो अभी 500 के का होता है, ये भी 500 के की है, ये पहला भी हमारा 500 के का ही है, ये देखें। और ये अंदर से मैं दिखाने का मकसद ये है कि मैं अपने दोस्तों को भी दिखा सकूँ तो इस कैसे रिपेयर करते हैं। इसका वॉल्यूम हीट वाला वॉल्यूम चेंज करना है, ऊपर वाला वॉल्यूम नहीं चेंज करना है, नीचे वाला मसला है, नीचे वाले चेंज करना है, वो मैंने चेंज कर लिया है। अब फिटिंग करके चला कर दिखाता हूँ आपको। मैंने ऑन करा, ये देखें फ्लिंग करना स्टार्ट हो गया। पहले ये बिल्कुल ऑन रहती थी, फ्लिंग नहीं कर रही थी, और ये हीट भी अब बाहर बाहर आ रही है बिल्कुल। मैंने ये अब एयर वगैरह भी सही बाहर आ रही है, मैं कोई आपको चीज़ दिखा सकते हो। और एक बार एक फिटिंग की बता दूँ आपको। फिटिंग करने से पहले आपने एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ये वॉल्यूम थोड़ा सा बड़ा है, इसके पीछे मैंने डबल टेप लगाई हुई है, ये कोई भी टेप वगैरह लगा सकते हैं आप, तो इसके पीछे भी वैसे ही लगा लें और इसे कर लें सही। कनेक्शन वगैरह सेम टू सेम कीजिएगा, अदरवाइज़ आपकी चीज़ें वगैरह कोई सही तरीके से काम नहीं कर सकती या जल सकती हैं, कोई भी फॉल्ट पेश आ सकता है। तो इसके पीछे लाजमी लगाएगा, क्योंकि पीछे किट है, सारे पिंड लगे हुए हैं, तो उससे मसला पेश आएगा। तो मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।